ओवरनाइट कुछ बुरा ना हो जाए तो मैं क्या करूंगी, या कोई भी ऐसी थॉट? मुझे मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा अल्लाह से डर लगता है। मतलब जब मैं मेरी तरफ से किसी के साथ कोई गलत हो जाए, कोई लाइक मिस्टेक हो जाए या कुछ गलत कर लूं, तो मुझे बहुत डर लगता है। मुझे ये वो चीजें बहुत वो होती हैं, और उन चीजों को मैं बहुत रियलाइज करती हूँ कि नहीं, इस नहीं बंदे नहीं के साथ लोगों मैंने की ऐसे तरफ से गलत डर नहीं कर लगता दिया। आपको, ये तो आपको अपनी तरफ से लगता है, लोगों की तरफ से लगता है नहीं लगता? नहीं, मुझे किसी बंदे से डर नहीं लगता, चाहे वो जिस लेवल का हो, चाहे वो जिस बंदा हो, मैं किसी से भी नहीं डरती। मुझे लोगों को फेस करना बहुत अच्छे से आता है। मेरे सामने कोई बड़े से बड़ा आके पॉलिटिशियंस बैठ जाए, मेरे सामने कोई बड़े से बड़ा आके जाबर बैठ जाए, मैं कहती हूँ इस खान में कोई चंगेज खान भी हो, कोई चंगेजियत भी मेरे सामने आए, तो मैं बहुत ही बहादुरी से और अकेले उसका मुकाबला करूंगी, और उसमें मुझे अल्लाह की मदद के अलावा कभी किसी, मैं कहती हूँ सारी अवाम और सारा मीडिया एक साइड पे था, पूरी पब्लिक एक साइड पे थी, मुझे इतना क्रिटिसाइज किया, इतना क्रिटिसाइज किया कि लोग कहते थे कि तुम बाहर ना निकलो, तुम्हें पकड़ लेंगे, तुम्हें मार लेंगे, तुम अकेले ड्राइव ना करो, तुम अकेले वो ना करो, तुम अकेले क्यों ऐसे रेस्टोरेंट में जाके बैठती हो, तुम ये क्या करती हो। मैं कहती थी मौत है, और ये एक तल हकीकत है, लेकिन ये अल्लाह तबारक वताला ने लिखी, अगर ऐसे लोगों ने लोगों को मारना होता तो इस दुनिया में तो कोई जिंदा ही ना रहता। मुझे बिलीव अपने रब पे बहुत है, और मुझे किसी से भी डर नहीं लगता, मुझे आप लाइफ में कोई सिक्योरिटी कुछ वैसे नहीं है। कैरी करती हैं अपने साथ? सिक्योरिटी रखती हैं? मैंने आपको क्या बताया कि मेरी लाइफ में डर ही नहीं है। मैं कल अकेले ड्राइव करके वाह, यहाँ से लाहौर गई हूँ, मैंने ना अपने ड्राइवर को बताया और ना मैंने किसी को बताया। 24CT42 के साथ मेरा वो था। और मैं आपको एक और मजे की बात सुनाती हूँ कि मेरा टायर पंचर हो गया था, और जो दूसरा स्टपनी टायर वो होता है, मैं उस टायर पे यहाँ से गाड़ी ड्राइव करके लाहौर गई हूँ, और रास्ते में मुझे हंस भी रहे थे वो वाले कि आप इस टाइम पे कैसे आई हैं और कैसे आप पहुंची हैं। मैं खैर 5-6 घंटे में पहुंची, लेकिन मैं अकेले ड्राइव करके गई हूँ। और जब मेरी आपसे बात भी हो रही थी, तो मैंने आपको मैसेज कर रिप्लाई किया था कि मैं मोटरवे पे हूँ, और मैंने लोकेशन भी आपको सेंड की थी वापस। और मैं एक ही दिन में अपने काम गई हूँ, वहां से अपने मैंने काम खत्म किए, मैंने रेस्ट नहीं किया, मैं वहां से फिर वापस आई, फिर मैंने रात को आके यहाँ पे रेस्ट लिया। तो मतलब इस चीज का मुझे कोई वो नहीं होता कि मैं अकेले ड्राइव कर रही हूँ, रात का वक्त है या ये वो। मैं बहुत अपनी लाइफ में मतलब मैं ऐसे ऐसे काम कर जाती हूँ कि लोग अगले बंदे को मतलब वो ही नहीं हो रहा था कि ये तुमने की है, मतलब किसी को वो ही नहीं। बस औकात मेरी अपनी फ्रेंड्स मुझे छोड़ के भाग जाती है कि नहीं हमें कुछ हो जाएगा, आपने इस तरह का काम किया, मतलब वो डर से और बहुत खौफ का वो हो जाती है, और मैं बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ, मुझे मतलब नहीं होता, मैं कहती हूँ। और हाँ, मैं जब सुबह उठती हूँ तो ये चीजें मेरे मामूल में है कि मैं सुबह उठती हूँ, मैं आयतुल कुर्सी पढ़ती हूँ, और ये मैं दुआ पढ़ती हूँ कि बिस्मिल्लाज़ुर, और उस पर मेरा इतना बिलीव है कि मैं कहती हूँ कि मतलब आयतुल कुर्सी पढ़ लिए तो आपने अपना मतलब जिम्बा अल्लाह को दे दिया, आपने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिए। तो ये सारी चीजें इंसान के लिए मुसख़्खर हुई है, पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व ताला ने इंसान के लिए मुसख़्खर किया है, तो किसी से डरना क्या।